जब से टीम इंडिया के दिग्गज प्लेयर विराट कोहली फॉर्म में लौटे हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट गए हैं। टी20 सीरीज खेलने पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स का भी यही हाल है। अगर ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस का मौजूदा बयान देखें तो उनके डर को साफ साफ देखा जा सकता है। मोहाली में मंगलवार से शुरू हो रहे 3 टी20 मैचों की सीरीज से पहले फास्ट बॉलर पैट कमिंस ने कहा, एकदम सच कहूं तो मैंने वो टूर्नामेंट एशिया कप नहीं देखा। मुझे लगता है कि श्रीलंका चैंपियन बना। सही कहूं तो मैंने एक भी मैच नहीं देखा, मैंने बस विराट कोहली को देखा था। मुझे लगता है कि उन्होंने सेंचुरी ठोकी, वो क्लास खिलाड़ी हैं। कमिंस की आगे की बात ज्यादा गौर करने वाली है। उन्होंने आगे कहा, उसको किसी न किसी समय फॉर्म में वापसी करना ही था। आने वाले सप्ताह में वो चैलेंजिंग साबित होगा। कमिंस की चिंता यूं ही नहीं है। दरअसल एशिया कप में एक शतक और दो अर्धशतक जड़ने के बाद विराट कोहली का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। यही नहीं, मोहाली में कोहली के बल्ले का रिकॉर्ड भी दमदार रहा है। कोहली ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली के मैदान में 51 गेंदों में 82 रनों की दमदार पारी खेली थी और उनके जबड़े से जीत छीन ली थी। वहीं आपको बता दें कि 20 सितंबर को मोहाली में पहले मैच के बाद दूसरा टी20 मैच 23 सितंबर को नागपुर में, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाना है। अगले महीने टी20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों ही टीमों के बीच ये सीरीज काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की कंडीशंस बिल्कुल अलग होंगी।